अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको नज़र आ रहा है, वो टाइटल में भी नज़र आ रहा है और थंबनेल में भी नज़र आ रहा है। सो मुझे बताने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी एज एवरीथिंग इज़ ऑन योर स्क्रीन नाउ, बट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हर किसी को स्ट्रॉबेरी ड्रिंक बनाना आता है क्योंकि आप लोगों के पास मिल्क होना चाहिए, स्ट्रॉबेरी होनी चाहिए एंड देन आपका जो है वो स्ट्रॉबेरी शेक बन जाता है। लेकिन अगर आप कुछ ट्रिक्स यूज़ कर लें तो आपका स्ट्रॉबेरी शेक और अच्छा बन जाएगा। उसके लिए आप लोगों को स्ट्रॉबेरीज फ्रोजन चाहिए होंगी, जैसे कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया। मैंने स्ट्रॉबेरीज धो के काट के उनको फ्रीज़ किया हुआ और वो फ्रीज़र से लिए हैं। साथ में मैंने अपने ड्रिंक को थोड़ा मीठा बनाने के लिए और उसको और ज़्यादा मज़ीद हेल्दी करने के लिए इसमें डालना है बनाना। दो बनानाज लेने हैं, उनको आप लोगों ने क्रश कर लेना है, ठीक है, जैसे मैंने किया हुआ है। अच्छे से इसको पीस देना है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारी स्ट्रॉबेरीज हैं, जो हमारे बनानाज हैं, और साथ में हम लोगों ने लेना है मिल्क। मिल्क भी हम लोग चिल्ड लेंगे ताकि हमारी फुल ड्रिंक जो है वो हमें आइस यूज़ ना करना पड़े और हमारी ड्रिंक काफ़ी अच्छी बन जाए, ठीक है। ओके जी, तो ग्राइंडर ले लेना है हम लोगों ने, ऐसा ग्राइंडर जिसकी ज़ुबान बहुत तेज़ हो, सॉरी जिसके ब्लेड्स बहुत तेज़ हो, हमने वो ग्राइंडर ले लेना है और उसके अंदर सारी चीज़ें डाल देनी है, ठीक है। डालने के बाद ग्राइंडर को जो है वो ढकें और उसको ग्राइंड कर लें। एज़ यू नो दैट ग्राइंडर आप सबको चलाना आता है, सो यूज़ करें और इसको जो है वो मिक्स कर लेते हैं हम लोग। ओके जी, तो सब कुछ मिक्स हो रहा है हमारा प्रॉपरली, इसको मिक्स कर लें तब तक जब तक ये एक फ़ाइन जो है वो मिक्सचर ना बन जाए या फ़ाइन आपके पास मिल्क शेक ना बन जाए। ओके जी, तो इसी के साथ मैं बता दूं कि फ्रीज स्ट्रॉबेरी इसलिए यूज़ की गई है कि समटाइम्स आपको पता है कि मौसम ऐसा है कि स्ट्रॉबेरीज़ ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इससे बेहतर ये है कि आप उसको इस्तेमाल से पहले धो के अच्छे से जो है वो फ्रिज में रख लें ताकि वो चिल हो जाए, खाने में भी अच्छी लगे और अगर आप ड्रिंक बना रहे हैं तो वो ड्रिंक में भी ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो। और मतलब यार हमारी आइस की बचत हो जाती है, दैट्स वाई आई यूज्ड चिल स्ट्रॉबेरीज, चिल बनानाज एंड चिल मिल्क आल्सो। और इसी के साथ ड्रिंक मेरी हो गई रेडी और वीडियो भी होने वाली है। सो अपना ध्यान रखें, अपने इर्द गिर्द वाले के लोगों को खुश रखें और इसी के साथ मेरी खुशी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो गिव मी अ फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।